दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि सरमाइका वाले टेबल पर जो उसकी मोल्डिंग लगी होती है या टक्कर होती है, दराज की टक्कर होती है, उसकी पॉलिश कैसे करते हैं। तो हमारा ये पुराना टेबल है, इसके पर पहले पॉलिश हुई थी जो कि अभी ख़राब हो चुकी है। अब इसके पर हमें दूसरी बार पॉलिश करनी है। ये देख सकते हैं सरमाइका इसका सारा चेंज हुआ है। अब हमें इसकी टक्कर जो है मोल्डिंग लगी है इसकी, वो पॉलिश करनी है। मतलब एक प्रकार का पेंट ही करना है मैट फिनिश में, पॉलिश तो नहीं करनी है इसके पर। देखिए सरमाइका है, ये पॉलिश करनी है हमें टक्कर, और नीचे भी सरमाइका लगा है इसके। ये देखिए, और इसके दराज में भी, दराज की टक्कर जो होती है उसके ऊपर भी पॉलिश करनी है हमें। ये देखिए, और ये दराज जो है, ये टक्कर, इसके ऊपर पॉलिश करनी है, ये वाली टक्कर पे मैट फिनिश करना है इसमें हमें डार्क ब्राउन कलर। तो सबसे पहले हमें टेप लगाना है सरमाइके के ऊपर, या फिर आप अखबार वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर आप टेप लगा सकते हैं, या फिर आप अखबार पूरा कवर कर सकते हैं सरमाइके को, जिससे कि ये ख़राब ना हो। बाकी मैं टेप ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा सरमाइका साफ़ करना है, पूरा सरमाइका गंदा है, इसलिए इसको थिनर से साफ़ करना पड़ेगा लास्ट में, इसलिए मैं टेप लगा देता हूँ कॉर्नर कॉर्नर में खाली। बाकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए, अभी मैंने टेप लगा दिया है इसके ऊपर, ये पूरा टेप लग गया है हमारा। अब इसकी हमें रिपेयर करनी है, जहाँ पर जोड़ वगैरह हो या फिर कहीं से पॉलिश ख़राब हो गई हो, होल हो गए हो, तो वहाँ पर इस हमें रिपेयर करनी है। और ये देखिए दराज के अंदर भी यहाँ पर रंदा वगैरह लगा है, तो इसकी भी हमें रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हमें वुड फिलर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप ब्राउन सेरम में फेविकोल मिक्स करके भी रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वुड फिलर है, देखिए टीक कलर का वुड फिलर हमारे पास है, आप इससे भी रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउन वुड फिलर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये ब्राउन वुड फिलर है, वाटर बेस्ड, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। बाकी अगर आपके आपके पास अवेलेबल नहीं है ब्राउन, तो आप जो आपका टीक कलर का वुड फिलर है उसमें ब्राउन सेना मिक्स करके उसको ब्राउन बना लें, उसके बाद में इसकी रिपेयर कर दें। वुड फिलर ज़्यादा मजबूत होता है चाक मिट्टी के मुकाबले। अगर आप वुड फिलर का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 5-7 साल तक इसकी रिपेयर नहीं निकलेगी। बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं, रिपेयर करनी है आपको। टीक कलर के वुड फिलर में हमने ब्राउन सेना मिक्स किया है, जिससे कि यह पुट्टी ब्राउन हो गई है, क्योंकि हमें इसके ऊपर डार्क ब्राउन ही करनी है, सरमाइका के साथ में मैच नहीं करना है। और फिर जहाँ पर भी होल हो, या फिर लकड़ी टूटी हो या क्रैक हो, तो वहाँ पर इसकी इस तरीके से रिपेयर कर देंगे। जहाँ पर ज़्यादा बड़े होल होंगे वहाँ पर आपको 2 बार रिपेयर करनी पड़ेगी, बाकी छोटे मोटे 1 बार में ही कवर हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी रिपेयर कर देनी है। रिपेयर करने के बाद में इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगी प्रॉपर, तब हमें इसके ऊपर रेगमाल लगाना पड़ेगा। ये देखिए सारे जोड़ भर जाने चाहिए, इस तरीके से सारे जोड़ भर लेने हैं। और ऊपर वाली साइड में भी ये देखिए, जिसे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर भी पुट्टी भर लेंगे हम, जिससे कि पूरा बराबर हो जाए। और जो दराज की टक्कर वगैरह हैं उसके ऊपर भी हमें रिपेयर कर लेनी है इस तरीके से। मतलब A to Z सारी रिपेयर कर लेनी है हमें पहले ही, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, बाद में रिपेयर ना करनी पड़े इसकी। तो इसी तरह से रिपेयर करके इसको छोड़ देना है थोड़ी देर। देखिए अभी हमारी सारी रिपेयर कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं सारी रिपेयर हमने कर ली है जहाँ पर भी रिपेयर करने वाली थी। सूखने के बाद में इसके ऊपर आप 150 नंबर रेगमाल वाटरप्रूफ, या फिर 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल प्रयोग कर सकते हैं इसकी पुट्टी काटने के लिए। ये देखिए, जैसे हमारे पास 220 नंबर का रेगमाल है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर आप 150 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पर भी हमने रिपेयर भरी है पूरी जगह पर इसको लगा देना है, ताकि रिपेयर साफ हो जाए। और सरमाइके के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि सरमाइके के ऊपर यह रेगमाल ना लगे, अगर सरमाइके के ऊपर लग गया तो उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, इसलिए इसको आप सरमाइके को आपको बचा के रखना है। तो इसी तरीके से पूरा रेगमाल लगा देना है हमें।
अगर यह पुट्टी सूखी रेगमाल से नहीं निकलती है क्योंकि यह ज़्यादा हार्ड होती है, तो आप इसको पानी से, रेगमाल को पानी से गीला कर लें, उसके बाद में भी इसको आप निकाल सकते हैं। पानी से गीला करने के बाद में यह जल्दी कट जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से कर लें इसको, जैसे जहाँ पर ज़्यादा लग गई होती है तो वहाँ पर सूखी नहीं निकलती है, तो इसको आप पानी से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं आप। और पानी से रेगमाल लगाने के बाद में इसको तुरंत ही कपड़े से साफ कर देना है ताकि जमे ना। अगर ये सूख गई तो फिर बड़ी मुश्किल से निकलती है, इसलिए इसको आप तुरंत ही साफ कर लें। जैसे आपने 1 फुट पर रेगमाल मार 1 फुट पर रेगमाल मारा है तो वहाँ पर उसको साफ कर लें तुरंत ही, तो ये जमेगी नहीं पुट्टी। इस तरीके से इसको साफ कर लेना है। तो उसी तरीके से पूरे टेबल को हमें साफ कर लेना है रेगमल लगा के। उसके बाद में हमें इसके ऊपर पॉलिश करनी है। ये देखिए टक्कर हमारी है, इसके ऊपर भी हमें रेगमल लगाना है। ये दराज के अंदर वाली साइड में सरमाइका लगा है, बाहर वाली साइड में भी सरमाइका लगा है, खाली टक्कर टक्कर है इसकी, जो कि पहले इसके ऊपर पॉलिश हुई थी, अभी रंदा वगैरह लगा है तो ये खराब हो गई है, तो इसलिए हमें दूसरी बार इसको फिनिश करना पड़ रहा है। तो अभी देखिए हमने पूरा रेगमाल लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा हमने रेगमाल लगा लिया है। अब हमारे पास है डार्क ब्राउन एनसी पेंट, ये देखिए गुरु कंपनी का है, बाकी आप चाहें तो कंपनी दूसरी भी ले सकते हैं। एनसी पेंट है ये मैट फिनिश में पेंट होता है, इसमें शाइनिंग नहीं होती है, इसलिए हम इसी का प्रयोग करेंगे खाली। देखिए हमारे पास बना हुआ पड़ा है, इसको पतला करने के लिए आप इसमें एनसी थिनर या फिर आरटी थिनर का प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही थिनर डालना पड़ेगा इसको पतला करने के लिए, क्योंकि हमारा सरमाइका मैट कलर का है तो हमें इसके ऊपर मैट पॉलिश ही करनी पड़ेगी। पॉलिश का पेंट ही है एक प्रकार का, पॉलिश का नाम ही खाली। तो इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये हमने कलर इसका मैच नहीं किया है, हमें डार्क ही करना था, बाकी आप चाहें तो इसका कलर मैच कर सकते हैं, जो सरमाइके का कलर है वो मैच कर सकते हैं आप, बाकी हमने इसमें मैच नहीं किया है। तो इसी तरीके से पूरे टेबल के ऊपर हमें अप्लाई कर देना है, जहाँ पर भी पॉलिश करने वाली हो, जहाँ पर भी लकड़ी लगी हो। इसके आप 2 या 3 कोट अप्लाई कर सकते हैं एक बार में ही, क्योंकि एक जगह से आप मारेंगे दूसरी जगह पर यह सूख जाएगा। पेंट होने के बाद में थोड़ा सुखा लेना है इसको। सुखाने के बाद में जो हमने टेप वगैरह लगाई थी वो पूरी निकाल देनी है हमें। देखिए जैसे ऊपर हमने टेप लगाई थी तो इसको पूरी निकाल देना है हमें, क्योंकि अब हमें इसकी सफाई करनी है। उसके बाद में हम लास्ट में इसके ऊपर शेड भी डालेंगे, ब्लैक कलर का शेड। तो इस तरीके से पूरी टेप को निकाल देना है हमें। उसके बाद में हमें थिनर लेना है, एनसी थिनर या फिर आप आरटी थिनर भी ले सकते हैं इसकी सफाई करने के लिए। और आपको कपड़ा लेना होगा व्हाइट कलर का, या फिर आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। व्हाइट कलर का लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दूसरा जो कपड़ा होता है उसका कलर निकलता है थिनर से। और फिर इस तरीके से इसको साफ कर देना है हमें पूरे टेबल को, जहाँ पर भी हमारी सरमाइका लगी है। और इतना याद रखना है कि जहाँ पर हमने पेंट किया है वहाँ पर यह थिनर ना लगे, अगर वहाँ पर लग गया तो हमारा पेंट निकल जाएगा, इसलिए इसको बहुत आराम से लगाना है, सरमाइके के ऊपर ही लगाना है इसको। तो इसी तरह से पूरे टेबल को साफ कर लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अपलोड होने के एक या आधे घंटे तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, अगर आप उस टाइम कमेंट करेंगे तो आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा, बाकी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पूरा साफ करने के बाद में अब हमें इसके ऊपर शेड डालना है। शेड डालने के लिए हमें ब्लैक पेंट की जरूरत पड़ेगी, देखिए एनसी ब्लैक पेंट है हमारे पास। इसको भी पतला करने के लिए हम थिनर का प्रयोग करते हैं, ये देखिए ब्लैक पेंट है, थिनर डाल के इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद में शेड डालना है इसके ऊपर,
सेट डालने के लिए एक स्पेशल गन भी आती है, बाकी अगर आप इससे भी सेट डालना चाहते हैं तो इससे भी सेट पड़ जाएगा, इससे थोड़ा सा मोटा सेट पड़ेगा, बाकी जो सेट वाली स्पेशल गन होती है उससे थोड़ा सा बढ़िया पड़ जाता है सेट। तो आप दोनों से ही सेट डाल सकते हैं। इस तरीके से पूरे जो कॉर्नर है और जहाँ पर टक्कर वगैरह है वहाँ पर सेट डाल देना है पूरा, जिससे कि इसकी लुक बहुत बढ़िया हो जाती है। बाकी आप सेट नहीं डालेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से पूरे टेबल के ऊपर सेट कर लेना है, साइड साइड में जहाँ पर भी करना हो, और ऊपर वाले साइड में भी करना है। देखिए इस तरीके से, तो सेट डालने के बाद में हमारा पूरा टेबल फिनिश हो जाएगा, पूरा फाइनल हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो आपको आगे भी हमेशा मिलती रहेंगी। तो देखिए लास्ट में आपको इस तरह की फिनिश दिखाई देगी इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।